8 माइनस 9, तो 5 मॉडुलस 3 माइनस 2x माइनस 9, 0 माइनस 10, तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू आ गया -9। और उससे एफ एक्स का हमारा वैल्यू आ गया -9 और उससे ज्यादा। तो बेटा व्हाट विल बी द रेंज, रेंज क्या आएगी बोलिए, -9 और उससे ज्यादा, -9 टू इंफिनिटी। तो इसका रेंज आ गया आपका -9 टू इंफिनिटी, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये हमारा इस फंक्शन का रेंज है। बेटा जो लेट आए हैं वो मैं बता दूं आपको, मैं डोमिनो रेंज की बात में बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, बस हम कुछ प्रैक्टिस के लिए आज कर रहे हैं, कल से हम दोनों टॉपिक दोनों में नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक में तो मैं लीनियर इनइक्वालिटीज रिवाइज करवाऊंगा, और जो पहली बार पढ़ी जैसे दिया तो उसको पढ़ाएंगे, और एक में नया चैप्टर चालू करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5 मॉडुलस 3 माइनस 2x माइनस 9। हम सबसे पहले मॉडुलस की बात करेंगे, जैसे ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस की वैल्यू हमेशा, पहले तो डोमेन की बात करते हैं। बेटा डोमेन मतलब होता है कि जहां एक्स को वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। यहां मैं देख रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर भाई, एक तो अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए और एक अंडरूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इन दो वैल्यू पर दिक्कत है, बाकी किसी भी दिक्कत नहीं। तो ना तो अपॉन में कोई आ रहा है ना अंडरूट में कोई आ रहा, तो डोमेन तो आर हो गया इसका। अब हम बात करेंगे रेंज, रेंज है मॉडुलस 3 माइनस 2x, मॉडुलस का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो ये हो गया 5 मॉडुलस 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर 9 ऐड कर दो, -9 ऐड कर दो, तो -9 दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -9, तो हमारा रेंज आ गया -9 टू इंफिनिटी, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन -9 टू इंफिनिटी, ये हमारा इसका रेंज आ गया। डोमेन रेंज क्लियर है इसका। अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, उसका डोमेन रेंज कभी आ गया तो देखो। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, इसका हमें डोमेन रेंज निकाल, we have to find the domain and range of the function modulus x minus 3 upon x minus 3। सबसे पहले मैं डोमेन की बात करता हूँ, बेटा अपॉन में क्या आ रहा है बोलो, सब अपॉन में क्या आ रहा है minus 3 x minus 3, तो x minus 3 का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0, तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बेटा 3, तो इसका डोमेन आ गया r minus 3, डोमेन आ गया आर माइनस 3, ये इसका डोमेन होगा। क्या डोमेन में किसी को दिक्कत? नो सर। डोमेन में किसी को दिक्कत? अब रेंज की बात करें, देखो रेंज बेटा एफ एक्स है आपका मॉडुलस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। हमने मॉडुलस में एक चीज पढ़ी बेटा, यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, इक्वल टू 3 तो हो ही नहीं सकता, मना कर दिया उसने, यदि ग्रेटर देन 3 है तो ये x माइनस 3 होगा भाई, ये वैल्यू 1 आई, और यदि x का वैल्यू लेस देन 3 है तो ये नेगेटिव आएगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने देखा, इसलिए मैं बोल रहा था ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो मॉडुलस x माइनस 3 की वैल्यू x माइनस 3 आएगी, तो x माइनस 3 को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया,
तो जब x का वैल्यू लेस देन 3 है तो मॉडुलस x माइनस 3 की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 3 आ गई, तो माइनस 1 आ गई। तो x की वैल्यू 3 से ज्यादा के लिए 1 आ रहा है और माइनस 3 से कम के लिए माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब आप कुछ भी वैल्यू रखो आपको सिर्फ ये दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 1 मिलेगा और एक माइनस 1 मिलेगा। इसलिए हमारा रेंज हो गया बस सिर्फ दो वैल्यू माइनस 1 और, इसलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। इसका रेंज आ गया माइनस 1 और ये इसकी दो वैल्यू आ गई। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन का रेंज है। क्लियर है बेटा? रेंज में किसी को दिक्कत है क्या भाई? यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ बेटा, बाकी लोग देखना। जैसे मैं बोल रहा हूँ मॉडुलस 2x-1, सिर्फ मॉडुलस 2x-1, तो बेटा ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, या तो ये प्लस 2x-5 आएगा, यह आएगा माइनस ऑफ 2x-1। ये जीरो हो रहा 5/2, तो जब x की वैल्यू क्योंकि इक्वल टू यहाँ तो अपॉन में, इसलिए मैंने मना कर दिया था, जब x की वैल्यू 5/2 और उससे ज्यादा है तो प्लस वाला आएगा, तो जब x का वैल्यू 5/2 से कम है तो माइनस वाला। ऐसे कोई भी मॉडुलस वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये कोई भी मॉडुलस वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड होती है, इस तरह से ये देखो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो x का वैल्यू यदि 5/2 और उससे ज्यादा है तो प्लस आएगा और 5/2 से कम है तो माइनस आएगा। यहाँ पर भी मैंने यही किया है, ये जीरो हो रहा 3 पे, इक्वल टू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, मना कर दिया। इसलिए जब x का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो ये प्लस ऑफ x माइनस 3 आएगा, कट गया तो 1 आएगा, तो लेस देन 3 है तो माइनस 1। इसलिए इसका डोमेन और रेंज, डोमेन तो आ गया r माइनस 3 और रेंज आ गया बेटा 1 और माइनस 1, ये दो वैल्यू आएगी। क्लियर है? ये क्लियर है? मृदुल बोल बेटा, क्लियर है मृदुल? क्या हुआ आज ऐसे स्टूडेंट भी बहुत कम आए, क्या पता क्या है आज? पीयूष क्लियर है बेटा? ये आवाज नहीं आ रही कि मेरी? रोहित क्लियर है सर? यस सर। हाँ वही मैंने की आवाज नहीं आ रही, क्या बात हो? चलिए नेक्स्ट। और देखते हैं, भाई एक प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, उसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। रुको एक सेकंड, एक तो है fx=x²/1, जो मैंने कल किया था वो अलग था, ये अलग है। इसका डोमेन और रेंज निकाल कि वही है, देख लेते हैं। इसका डोमेन तो आ रहा है, नीचे वाला जीरो होगा नहीं, ये एक आप मेरे हिसाब से ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये पहले भी करवा चुके हैं, दोबारा देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन तो आ रहा है, नीचे वाला जीरो हो ही नहीं सकता। रेंज की बात करते हैं, एफएक्स को वाई ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर एक तरफ ले लिया, याद आ रहा होगा मैंने जो बताया था परसों दिन ही बताया सर, या उससे एक दिन पहले बताया था, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। नाउ माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये माइनस हटाओगे
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज और नंबर लाइन पर माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ऊपर वाला जीरो पे हो रहा है, नीचे वाले वैल्यू पर वन पे हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, इधर से हमेशा प्लस माइनस प्लस। यहां तक जो मैंने बोला है, यहां तक कोई डाउट है तो पहले यहां तक बोलो। यहां तक जो मैंने प्लस माइनस प्लस लगाया है, यहां तक कोई डाउट है तो ये बोलो बेटा। दिया आप बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बोल बेटा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू अंडरूट के अंदर है तो अंडरूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, माइनस हटाया है तो लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये आ गया जीरो और ये आ गया वन, इधर से प्लस माइनस प्लस हमेशा ऐसा चलेगा। अब ये लिख रहा है लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव जीरो तो आएगा लेकिन वन नहीं है, जीरो तो आएगा लेकिन वन नहीं। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन का रेंज होती है, ये हमारा इस फंक्शन का रेंज है। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट। एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। भाई वैसे तो आज की क्लास की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई एक क्लास और ले लेते हैं डोमेन नॉलेज, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो, किसी को दिक्कत आ रही हो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल या f equal to s, x comma 1 upon 1 minus x square, x belongs to, बस x belongs to r and x is not equal to plus minus 1। या भी एक काम करते हैं, इसी का निकाल लेते हैं, मैं क्यों दूं, वो तो अपन निकालेंगे कि इसका रेंज क्या आ रहा है, वो अभी देखते हैं डोमेन क्या आ रहा है, रेंज क्या है। f x जो है वो 1 upon 1 minus x square, 1 upon 1 minus x square, ये हमारा fx है। देखो जो 1 upon 1 minus x square, सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूं, मैं डोमेन में अपॉन में कुछ आ रहा है तो वो देख लो, हम बोलेंगे 1 minus x square की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका डोमेन आ गया, बस दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आर माइनस 1 माइनस 1, बस ये दो वैल्यू की दिक्कत है इसको, तो ये तो इसका डोमेन आ गया, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्या किसी को डोमेन में दिक्कत है? नो सर। ये हमारा डोमेन है। अब हम बात करेंगे रेंज की, हम बात करेंगे रेंज की, पहले इसको डोमेन को देख लो फिर मैं रेंज बना। अबे इधर सुनना, इसमें दो बोतल भर के भेजना, क्योंकि ऊपर उसमें भी डालूंगा मैं। एक बोतल तो ये दोनों बेहतर बोतल आरओ से भरना, एक बोतल आरओ से और एक बोतल पानी पीने के लिए। अरे बेटा इसमें डालना। चलिए नेक्स्ट।
नाउ रेंज एफ एक्स मतलब वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर एक्स की वैल्यू निकाल एक्स स्क्वायर हो गया आपका वाई माइनस वन अपॉन वन तो एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट वाई माइनस वन अपॉन वन ये समझ में आया जो मैंने लिखा यस सर भाई वाई इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वन एक्स की वैल्यू निकाल ली y माइनस वाई वन अपॉन वाई का स्क्वायर रूट ना y माइनस वन अपॉन वाई का स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या हमें पता है जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी तो ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी क्यों अरे नहीं होली भारी तो बोल रहा हूं ना नॉर्मल एंड बाद वही जीरो और वन प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ये वैल्यू आ गई भैया अब बेटा ध्यान से देखो हमारी वैल्यू क्या क्या आ सकती है एक तो हमारी वैल्यू बस जीरो नहीं आ सकती पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहां से यहां तक आ रहा है तो हाँ रेंज हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट से जीरो नहीं आ सकता और यूनियन वन टू इनफिनिटी ये इसका रेंज होगा क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है पॉजिटिव हमारा माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन वन टू इनफिनिटी आपका क्लियर यस सर तो ये इसका रेंज होगा दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इको करते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट fx equal to x upon 1 plus x square ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है fx equal to x upon 1 plus x square अब देखो पहले वाली प्रॉब्लम जो की थी वो x square upon 1 plus x square थी यहां x upon 1 plus x square अब ये इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट चलेगा बेटा इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट चलेगा कैसे अलग कंसेप्ट चलेगा इस एफ एक्स है आपका एक्स अपॉन है वन प्लस एक्स स्क्वायर डोमेन तो भाई दिक्कत ही नहीं क्योंकि नीचे वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो है इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता सो देयरफॉर डोमेन आ कोई दिक्कत नहीं इसको भाई ये वाला वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकता तो इसकी डोमेन आ रहा रेंज की बात करें रेंज आपका इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स और बेटा ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है लेकिन ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री ये हमारी एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और यदि x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे x का वैल्यू माइनस बी वन तो ये b माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी ए वाई और सी बी वाई फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू ए टू वन ये हमारी x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई हमारी वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू ए टू वन अब मुझे पता अंडर रूट में जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है
इसकी कंडीशन होगी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो माइनस 4 वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 होनी चाहिए। माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/4 होनी चाहिए। और बेटा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, मैंने बता चुका हूं बेटा, वाई स्क्वायर मॉडुलस वाई आता है, तो मॉडुलस वाई की वैल्यू 1/2 से कम होनी चाहिए। और मॉडुलस वाई लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्या मतलब है? हाँ, मॉडुलस वाई लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्या मतलब है? 0 to 1/2 आएगी सर। क्यों क्यों? क्यों यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन थोड़ी है जो है ना 0 to 1/2 आएगी? हाँ यस सर। बेटा वाई का वैल्यू किस किस के बीच में आएगा? माइनस 1/2 से 1/2 के बीच। अच्छा वाई जीरो आ सकता है क्या, देख लेते हैं, वाई जीरो आ सकता है क्या? एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका रेंज हो गया बेटा, इसका रेंज आ गया माइनस 1/2 से, ये इसका रेंज हो गया, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप देख लो बेटा इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से है डोमेन रेंज का। रेंज आ गया माइनस 1/2 से लेकर 1/2 के बीच। माइनस 1/2 आ सकता है, प्लस 1/2 आ सकता है, और उसके बीच की सारी वैल्यू आ सकती है, लेकिन 1/2 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। ये हमको रेंज पता लग गया इसका। क्या ये क्लियर है? Yes. बोलो बेटा। यस सर। यस सर। एक और करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन या फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, यार मुझे लगता है कि यार ये दो क्लास के में लोग बाग ना बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। अब जैसा आज इवनिंग में है, आप ये देखो आज की स्ट्रेंथ, आज की स्ट्रेंथ है 3 जने गायब है, अक्षत गायब है, कंगना गायब है, कंगना तो जनरली गायब ही रहती है, और तीसरा मुझे लगता है मानव गायब है। मतलब डबल पढ़ने में एक तो मैं अपना टाइम भी दे रहा हूँ बेटा तुम्हें, और तुम्हें लगता है कि सर अब एक ही क्लास कर देनी चाहिए, तो मैं एक क्लास कर देता हूँ, दो क्लास हटा देता हूँ, वैसे भी 3-4 चैप्टर ही तो बाकी है आपका, बाकी रहा है जैसा तुम बोलो, अभी चल रहे तो यार, लेकिन थोड़े दिन, लेकिन यार मुझे कभी फिर स्टूडेंट नहीं आता था, बड़ा अजीब सा लगता था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कि एक क्लास ही सफिशिएंट है। देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस, इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना। ये देखो कंगना जैसे बोला भाई, इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना। डोमेन रेंज क्या होगा ये समझो, अपॉन में क्या आ रहा है भाई, अंडर रूट के अंदर x माइनस वाई, बेटा x माइनस वाई की इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि अपॉन है, तो x माइनस वाई की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? 0, 0 से ज्यादा। तो यहाँ से आगे हमारा x का वैल्यू ग्रेटर देन 5, x का वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए? 5 से ज्यादा होना चाहिए। डोमेन 5 टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन है, डोमेन इज 5 टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन।
कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब मैं रेंज की बात करूं, एफ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायरिंग कर दू तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू आ गया आपका फाइव प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू आ गया आपका फाइव प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बेटा, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? जीरो। जीरो और वाई कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन। तो बेटा रेंज कहां से कहां तक आएगा? वन टू इनफिनिटी। अरे बेटा क्या कर रहा है बेटा मृदुल, वन कैसे बोला, वन टू इनफिनिटी क्यों बोला? जीरो तो इंक्लूड हो, जीरो नहीं आएगा तो जीरो पॉइंट वन नहीं आएगा कि मना कर दिया गया जीरो पॉइंट वन के लिए, जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन के लिए मना कर दिया दोस्तों। इसका मतलब ये थोड़ी कि जीरो नहीं आएगा तो वन से स्टार्ट होगा, जीरो से वन के बीच में तो बहुत सारी वैल्यू है बेटा। आप बोलोगे रेंज जीरो टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, जीरो नहीं आएगा ना, लेकिन जीरो पॉइंट वन तो आ सकता है, जीरो पॉइंट टू तो आ सकता है, तो इसका रेंज हो गया जीरो टू इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है जीरो नहीं आएगा तो वन से चालू कर दो, जीरो से वन के बीच की वैल्यू सारी हटा दो फिर आप ऐसा करोगे। क्लियर? यस सर। यस सर। तू तो यस सर बोले मत मेरे से, मैं इवनिंग क्लास बंद कर रहा हूँ यार, सही बताऊँ मतलब नहीं लग रहा मुझे, तू तो कभी फ्री रहती नहीं है इवनिंग में, तो बहुत बिजी रहती है। सर वो फोन से जॉब हो गया था सर, तुझे याद नहीं था? अरे यार। अच्छा मैं फ्राइडे को जो जो कोचिंग पर आना चाहता है क्लास के लिए, फ्राइडे ओनली फ्राइडे वो आ सकता है? यस सर। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमें, यस सर हाँ, तो जिस कुछ लोगों को फीस देनी है तो वो आप उस दिन दे देना फ्राइडे, फिर देखेंगे यदि सही रहेगा तो तुम्हारी क्लास वहीं ले लेंगे जो जो आना चाहते हैं। पहले फ्राइडे को आ जाता हूँ मैं एक बार, ठीक है ना? तो जो जो बोल रहे थे कि ना जिनको फीस वहां आके देनी है तो फ्राइडे को दे देना, ठीक है ना? तो अपन दो से तीन वहीं मिलेंगे फ्राइडे। सर एक बार और रिपीट कर दो बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ फ्राइडे को मैं क्लास में मिलूंगा, जिस जिसको फीस देनी है वो दे सकता है उस दिन। ओके सर। क्लास आप क्लास वहीं अटेंड कर लेना दो से तीन, जो जो फीस लेके आएगा, ठीक है ना? फिर अपन देख लेंगे अगले दिन से क्या करना है, वहीं रखनी है क्या करनी है, आप कैसे कंफर्टेबल है वो एक बार देख लेंगे अपन, ठीक है? सर आना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, कुछ भी नहीं है बेटा आना, मैं यहाँ पर आपका आना नहीं आना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट अभी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। मेरे पास बहुतों का फोन आ गया, मैं ट्वेल्थ में मैंने बोला था जैसे सबको, तो कम से कम 10 जने भी तैयार नहीं हुए, 10 जने के पेरेंट्स भी तैयार नहीं हुए भेजने के लिए, ये हालत है अभी। तो इसलिए मैं किसी पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम भी आओगे तो मैं तुम्हें अलग अलग बिठाऊंगा, वही चक्कर। तो हम फ्राइडे को ये है, अब जिसको फीस देनी है वो तो आएगा ही सही बेटा, ये दो तीन जने बोल रहे थे कि सर हमें फीस देनी है तो उस दिन मैं आ जाऊंगा, फीस भी दे जाना और अपन कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है ना? किसने पूछा आना जरूरी है क्या बेटा? किसने पूछा था? सर पीयूष। हाँ कोई जरूरी नहीं बेटा, तेरे को इसमें इसमें दिक्कत नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्लियर है। चलो भाई क्लास तो वैसे भी ऑनलाइन भी लगेगी, ये भी लगेगी, दोनों ही लगेगी। ये तो एक काम करो फ्राइडे की जगह थर्सडे रख लो, थर्सडे रख लो, थर्सडे को मिल लो वहां, ठीक है? मैं फिर फ्राइडे से अपन डिस्कस कर लेंगे, थर्सडे को मिलूंगा मैं, क्योंकि मेरा थर्सडे को फास्ट भी रहता है तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है? चलो।
नेक्स्ट अब जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है वाली जैसे बेटा ये वाली प्रॉब्लम है f(x) = 3 / 2 - x² अपॉन में आ रहा है 2 - x² डोमेन भाई अपॉन में जो आ रहा है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो x² की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए तो बेटा x की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू के इक्वल नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू के इक्वल नहीं होनी चाहिए तो हमारा डोमेन आ गया r माइनस प्लस माइनस रूट टू रूट टू भी नहीं आएगा और माइनस रूट टू भी नहीं इसमें कोई दिक्कत डोमेन में किसी को नो सर नो सर और रेंज की बात करें y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर बन x स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 3 अपॉन y तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2y माइनस 3 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 2y माइनस 3 अपॉन 1 अब जो भी अंडर रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2y माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर लाइन पर आ जाओ 0 3 / 2 प्लस माइनस प्लस माइनस इनफाइनाइट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहां से आता है तो आपका रेंज हो गया माइनस इनफाइनाइट से 0 नहीं आएगा यूनियन 3 / 2 आएगा टू इनफिनिटी यूनियन 3 / 2 टू इनफिनिटी ये इसकी रेंज है दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन क्लियर यस सर तो ये इसका डोमेन और रेंज है अब देखो बेटा डोमेन और रेंज में तो जितनी प्रॉब्लम बन सकती थी मैंने सारी ही करवा दी जितनी जितनी बन सकती थी सारी करवा दी अब मैं तुम्हें कल का बता देता हूँ कल दिन में चालू करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि आपका बहुत इजी टॉपिक है अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर उसके बाद अच्छे टॉपिक चालू करेंगे जो दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं आपके अच्छे वो और इवनिंग में आपका रिवीजन होगा लीनियर इनइक्वालिटीज का इवनिंग में रिवीजन होगा लीनियर इनइक्वालिटीज का कल से ये दो चीजें ठीक है ओके सर चलिए इसकी रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ